हेलो बहन जी, बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक आपको जी। आज बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सब सेरेमनी होगी, बहुत खुशी हुई जी। आप जल्दी आपको दावत देंगे कि पंजाब में आए। ठीक है जी, ठीक। हाँ, आगे से आप इलेक्शन भी पंजाब से लड़ा कर। आपका स्वास्थ्य पूछ रही है, आपका स्वास्थ्य, आपका सेहत ठीक है जी? आपकी सेहत पूछ रही है। मेरी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। Okay, आज बहुजन समाज पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है, उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। यह गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि यह गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और यह गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस गठबंधन का तहे दिल से स्वागत कर रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सोच आप और उद्देश्य दोनों ही आपस में मिलते हैं। दोनों ही पार्टियां किसानों, दलितों, शोषितों, मजदूरों तरह दबे कुचले लोगों के हक और उत्थान के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं और लड़ती रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी जिसका गठबंधन सन 1984 में पंजाब प्रदेश में जन्मे मानवर श्री काशीराम जी द्वारा तथा माननीय सुश्री बहन मायावती जी के द्वारा जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किया गया था। पार्टी का गठन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो कि भारत के संविधान के रचयिता हैं और निर्माता हैं के बताए हुए उद्देश्यों पर चलकर इस देश में सभी उपेक्षित वर्गों को उनका हक दिलाने और उनके अपने पैरों पर खड़ा होकर मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला समाज बनाने के उद्देश्य से किया गया था। आज का यह ऐतिहासिक गठबंधन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए सही माने में माननीय बहन मायावती जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो स्वयं आना चाहती थी लेकिन और इस गठबंधन की घोषणा में वो खुद रहना चाहती थी लेकिन कोरोना की वजह से और कोरोना में के अंतर्गत लगे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके तहत जहां पर क्योंकि ये सभी को मालूम है अगर बहन मायावती जी यहां आती तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हजारों हजारों कार्यकर्ता जो पंजाब के हैं उनको यहां पर आने से रोक नहीं पाते और कोरोना का उल्लंघन होना लाजमी था इसलिए बहन मायावती जी ने इस ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा करने के लिए उन्होंने हमें यहां पर हमारे दोनों साथियों के साथ में श्री पंजाब स्टेट के जो हमारे पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी और पंजाब स्टेट के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह गढ़ी जी को अधिकृत किया कि हम लोग यहां पर आके इस गठबंधन को की घोषणा अपने भाई श्री सुखबीर सिंह बादल जी के साथ में मिलकर के यहां पर करने का काम करें। यह गठबंधन इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि ये गठबंधन पंजाब प्रदेश में वर्तमान में चल रहे करप्शन और घोटालों से लिप्त कांग्रेस की सरकार जो खास तौर पर किसान विरोधी एवं दलित विरोधी है को हटाकर अपनी गठबंधन की सरकार
श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बनाकर इस प्रदेश के सभी किसानों, दलितों, सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों, मजदूरों आदि की समस्याओं को दूर करते हुए समूचे पंजाब का विकास करते हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए पंजाब के समस्त पंजाबियों को उनका हक और सम्मान दिलाने का काम करेगी। यह हमारा निश्चय और अटल निश्चय। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने पहले भी पंजाब में इतिहास रचने का काम किया है, जैसा कि अभी आपको श्री सुखबीर सिंह बादल जी ने बताया। सन 1996 में के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल ने मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो आपको मालूम है कि 13 सीटों में 11 सीटें इस गठबंधन ने जीतने का काम किया था, और जो एक सीट बहुजन समाज पार्टी 4 जो जिसमें लड़ी थी हारी थी, और अकाली दल जिसमें एक में नहीं जीत सकी थी, बहुत ही थोड़े थोड़े वोटों का अंतर था, वरना पूरा क्लीन स्वीप था। और अब की बार हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह की यहां पर सरकार चल रही है, उसको उखाड़ फेंकने का जुनून जो है लोगों के अंदर, उसके तहत में अब की बार की जो गठबंधन की सरकार होगी, जो गठबंधन चुनाव में लड़ेगा, वो अब की बार पूरा एक तरफ से क्लीन स्वीप करके और सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि बहुत अधिक सीटों के साथ बढ़ करके यहाँ पर सरकार बनाने का ये गठबंधन कार्य करेगा। बड़े सोनिहाल। और कैप्टन, आप जानते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार चल रही है, और किसके नेतृत्व में चल रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चल रही है, जिनकी जो सरकार किसानों और दलितों का खुलेआम उन दोनों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस हर मामले में दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती चली आ रही है। फंड्स जो पैसा दलितों के उत्थान के लिए चिन्हित होता है और चिन्हित है, उसे रिलीज न करना, उसका दुरुपयोग करके उसको किसी और चीज में लगा लेना, ये उसने कार्य करने का काम यहां किया है। लाखों की संख्या में आटा दाल तथा ओल्ड एज पेंशन के कार्ड्स खत्म कर दिए गए, जिससे कि जो उसके हकदार थे, जिनको उसमें कुछ मिल रहा था, उनका हक छीन लिया जाए। रिजर्वेशन के तहत एससी एसटी ओबीसी के कोटा की पोस्ट और खास तौर से एससी की कोटा की पोस्टों को खाली रखा गया है और उनको भरा नहीं जा रहा है, जिससे कि उनका हक उनसे छीना जा सके। यह देखा जा रहा है कि यहां पर जहां दलित स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज में रोल नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, और इस तरह उनके मैट्रिक स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही है, शगुन स्कीम भी सही तरीके से नहीं लागू की जा रही है, गरीबों और खास तौर पर दलितों को जो घर देने का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं किया गया जा रहा है। आपको मालूम है कि जब भी उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने मानवर काशीराम जी के नाम से गरीबों के लिए दो दो कमरे के मुफ्त मकान बनाकर, पैसा नहीं लिया आज की सरकारों की तरह, और उन्होंने मुफ्त मकान बना करके उनको लाखों लाखों की संख्या में दे करके और उसमें उन्होंने आबाद करने का काम किया था। लेकिन यहां पर जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। दलितों के लिए चिन्हित जितनी भी स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जगह उसका धन पूरी तरीके से दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज बाकी जो पार्टियां हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि उनका किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में आपने बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का आपने स्टैंड देखा है। हम लोग किसानों के साथ में खड़े हैं पार्लियामेंट के अंदर, दोनों पार्टियों ने, मैंने स्वयं खड़े होकर के किसान आंदोलन में जो तीनों बिल जो काला कानून के तहत पास किए गए हैं, जिसमें कि किसानों की जमीनों को छीनने का षड्यंत्र है और छीन करके उनको जमीनों से भी बेदखल करने का
जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके विरोध में बहन मायावती जी ने अपना वक्तव्य दिया, बोलने का काम किया, हमें अधिकृत किया था पार्लियामेंट में, हमने भी ये बात उठाई थी। और इतना ही नहीं, आपको यह भी मालूम है कि इसका विरोध करते हुए पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर अकाली दल की के जिनके चूंकि उस समय गठबंधन था, अकाली दल से श्री हसमित कौर जी ये वहां पर मंत्री थीं, लेकिन किसानों की जब बात आई, इस किसानों के बिल का उन्होंने विरोध किया, उन्होंने पहले उसको बनाने के पहले भी विरोध किया, जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस विरोध को जताते हुए और इस पद को छोड़ते हुए, मंत्री के पद को छोड़ने का काम किया, त्यागने का काम किया और इस्तीफा देकर के उन्होंने किसानों के लिए खड़े होने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का जो गठबंधन है ये निश्चित करेगा, और ये हम उत्तर प्रदेश में भी किसानों से कह चुके हैं, इस देश के सभी किसानों से कह चुके हैं, और यहां फिर दोहराने का काम कर रहे हैं कि इस काले कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा, जिसके किसान दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कांग्रेस की ही तरह, जैसे कांग्रेस इस बिल को पहले ला रही थी, जब किसानों ने विरोध किया तो विरोध जताने लगे, आम आदमी पार्टी ने तो इसका स्वागत किया था, इस बिलों का स्वागत करके और अपना बयान दिया था। उसके बाद जब किसानों का आंदोलन देखा, किसान को उन्होंने सड़कों में उतरते हुए देखा तो उन्होंने अपनी पलटी मार दी। तो ऐसे लोगों से भी आपको खास तौर से चौकन्ना रहना पड़ेगा। बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल की हम ये अपने साथियों से जितने भी पंजाब में आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन लोगों को, इन पार्टियां जो अपना मुखौटा कुछ रखते हैं, सोच कुछ रखते हैं, उस मुखौटे को पहचानना चाहिए कि उसके अंदर चेहरा कौन सा है। और ये गठबंधन जो है, ये ऐसे जितनी भी पार्टियां हैं उनके इस मुखौटे को जरूर उखाड़ के फेंकेगा और उनका असली चेहरा अब की बार जनता भी लाएगी और पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग भी लाने का काम करेंगे। हम बहुजन समाज पार्टी पंजाब में उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे कि बहन मायावती जी को पूरा देश जानता है कि कानून के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। यहां पर भी जो गठबंधन की सरकार है उसने वो जो है कानून के द्वारा कानून की सरकार चलाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की ही तरह बीएसपी की सरकार गरीबों, यहां पर जो गठबंधन की सरकार है गरीबों, शोषितों, दलितों और मजदूरों, खास तौर पर यहां पर पंजाब के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगा। पंजाब में बीएसपी द्वारा, केंद्र द्वारा बनाए ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा हूं जो श्री सुखबीर जी ने अभी आपके सामने रख दी, जैसे कि उन्होंने मंदिर जो काम शुरू किया गया था रविदास जी के संत रविदास जी का, उसको रोक दिया, कई ऐसी स्कीमें हैं भ्रष्टाचार जिनका उजागर उन्होंने अभी कर ही दिया है, उनको हम रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इस गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब चीजों में पूरी एक साथ मिलकर के इनको अमल में लाने का काम करेंगे। और मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये संदेश पूरे पंजाब के वासियों को मैं देना चाहूंगा उनकी तरफ से कि हम अपने साथियों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि पंजाब में बीएसपी और अकाली दल के इस ऐतिहासिक जो आज गठबंधन हुआ है उसको अपना पूरा पूरा समर्थन दें और पंजाब में 2022 के चुनाव में इस गठबंधन की सरकार बनवाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे।
बहुजन समाज पार्टी के बारे में सभी को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित रहते हैं, और बहन मायावती जी के आदेश और निर्देश और उनके साथ में तत्परता से खड़े रहते हैं। जहां जहां पर भी गठबंधन का चाहे हमारा प्रत्याशी लड़ रहा हो, चाहे अकाली दल का प्रत्याशी लड़ रहा हो, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव के मैदान में इस तरह से उतरेंगे जैसे कि हर सीट पर वो चुनाव खुद लड़ रहे हैं, और चुनाव जिता करके अब की बार पंजाब में सरकार जरूर गठबंधन की बनेगी। और जैसा कि शुरू में भी मैंने कहा, श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। इसी के साथ मैं जय भीम जय भारत। मैं धन्यवाद कर दें मिश्रा जी का, फिर तो अखीर बैनीवाल जी का, तो गढ़ी साहब का जिहड़े अज इत्थे साडे पार्टी ऑफिस आए है, तो इहदे बाद असी मिश्रा जी तो असी नाल टीम साहब प्रकाश सिंह जी बादल जो इत्थे चंडीगढ़ है उन्हां नूं मिल के ते उन्हां नूं भी आशीर्वाद लैण वास्ते आपां जावांगे, क्योंकि आ सारा कुछ ही जो स्ट्रगल जो पार्टी विच साहब प्रकाश सिंह जी बादल दा अज पार्टी नूं इस मुकाम च पहुंचाउण दा योगदान है, उन्हूं आपां लफ्ज़ नहीं जिन्हां नाल मैं गल कर सकां। ते जो रिश्ता कांच भाई श्री कांशी राम जी साहिब श्री कांशी राम जी दा बाल साहब नाल शुरू होया सी, उह रिश्ता फिर तो कायम, ते अज बहन मायावती जी दा ते श्रोमणी अकाली दल ते BSP दा रिश्ता बन गया। सो मैं मीडिया नूं कहना चाहुंदा अज दी दिन च असी दोनों पार्टियां ने फैसला किया, मैं रिक्वेस्ट करदा अज सवाल नहीं दिते जाणगे। मेरी इक्को एक रिक्वेस्ट है एक दो दिन बाद आपां बह के थोड़े नाल चाह भी रोटी भी ते नाले थोड़े नाल सारे सवालों का जवाब देंगे। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब, थोड़ा जा मुंह मिठा कराया जाएगा। मिश्रा जी जदों भी कोई परिवारिक समागम हुंदा है तो खुशी के तौर के उत्ते मठियाई वंडी जाती है, सो अज भी शगन के तौर पर मूँह मिठा करा रहे हैं प्रधान साहब मिश्रा साहब का ते बाकी लीडर साहबान का। और मैनू दसदिया खुशी होंगी है कि साहिब कांशी राम जी का जिहड़ा जद्दी पिंड है खवासपुरा रोपड़ दे विच अज जदों अनाउंसमेंट हुई सी ते मैनू मैसेज आया कि उस पिंड दे विच दोवां पार्टियां दे साडे लीडरां ने लड्डू वंडने शुरू किए हैं, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।